दूर दराज से आए हुए शमाइन हजरत, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नई बच्चा थी, माताएं बहने एवं भावी होनहार करधार बच्चों को हमारे परम आदरणीय नौटंकी सम्राट मास्टर राकेश प्रधान पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन पगवंदन करती है। इतना ही नहीं बंधु, हम सबसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई या बच्चा समझकर माफ करना, क्योंकि आप लोग दया के सागर हैं और हम सब क्षमा याचक हैं। वाह दुनिया बनाने वाले मालिक, क्या आप किसान हैं परमात्मा? आप किसी को इतना दिए हैं कि खाते खाते मरा जा रहा है, किसी को इतना दिए हैं मेरे मालिक खाने के लिए मरा जा रहा है। किसी सलीमपुर गांव का रहने वाला हूं भैया, मेरा नाम अरमान सिंह है। मैं दुनिया में इतना बड़ा भागा पैदा हुआ कि जब मैं छोटा सा था तभी बाबूजी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। भैया बची थी माँ, आप भी एकाएक बीमार पड़ी, मैं अपनी माँ को एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया। बाबू डॉक्टर साहब बोले कि अरमान सिंह तुम्हारी माँ को ठीक होने में 5,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि तेरी माँ के पेट में अपेंडिक्स हो गया है। बाबू मैं मेहनत मजदूरी ईटा गारा करने वाला इंसान 5,000 रुपया कहाँ से पाता? मैं डॉक्टर साहब का पैर पकड़कर गिर गिराने लगा। मैं कहा डॉक्टर बाबू अरे कुछ कम कर दो साहब। डॉक्टर बोले कि देखो अरमान ये हॉस्पिटल है जहाँ पैसा लगता है। हमने कहा ठीक है बाबू, मेरी माँ को किसी भी हालात में ठीक होना चाहिए, मैं पैसे का प्रबंध कर रहा हूँ साहब। डॉक्टर साहब मेरी माँ का ट्रीटमेंट करने लगे और मैं हॉस्पिटल से गांव वापस आया। भैया वाह रे वक्त, तू कितना नाजुक है, जिसको रब देता है उसको सब देता है बाबू। मैं भैया जोखू आप जहाँ कहे भी भैया, आपको राकेश प्रधान जी याद कर रहे हैं, आप तत्काल मिल लें उनसे। से बुला कर कहते थे कि आओ अरमान भाई चाय पी लो। वक्त बिगड़ने के बाद वो मुझे देखकर अपना रुख फेर लेते थे। मैं दुनिया वालों के सामने अपने पेट के लिए नहीं बाबू, अपनी बूढ़ी माँ की जिंदगी बचाने के लिए दामन फैला कर भीख मांगा, पर इस बदनसीब का कोई ना सुना भैया। मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया, देखा तो शाम को 4 बज रहे थे, डॉक्टर साहब गेट के पास खड़े थे। हम पूछे कि डॉक्टर बाबू हमारी माई की तबीयत कैसी है? जिस बूढ़ी माँ की जिंदगी बचाने के लिए दुनिया वालों के सामने अपना दामन फैला कर भीख मांग रहा था, बेटा देख आज इस दुनिया में पैदा करने वाली तेरी माँ तुझे। हेलो, हाँ ये देखिए, ये जो कृष्णा म्यूजिक साहब के डायरेक्टर साहब हैं, ये हमारे सीपी विश्वकर्मा जी बिरभानपुर से, ये हमारे आदरणीय लालमणि प्रधान जी के इस रोल पर खुश होकर के 51 रुपए का इनका हौसला अफजाई करते हैं। और डायरेक्टर साहब धन्यवाद साहब, डायरेक्टर साहब इस बदनसीब के सर से माँ का आंचल का साया हट गया। भैया हाँ आप लोग तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर जाते जाते हमारे सर पर एक बहुत बड़ा बोझ दे कर गए। भैया मुझसे छोटे मेरी एक बहन थी जिसका नाम सुशीला था बाबू। मैं अपने बहन सुशीला की परवरिश इस तरह से किया कि जैसे एक बाप अपने बेटे की परवरिश करता है, ताकि हमारी बहनें अपने दिल में कभी कभी ना एहसास कर सके इस दुनिया से हमारी माई और बाबूजी खत्म हो गए। धीरे धीरे मेरी बहन सर
परेशानी होती गई बाबू। मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर जहाँ भी जाता था कोई 1 लाख कोई 50 हजार कोई 10 लाख कोई 5 लाख डिमांड करते थे बाबू, पर मैं गरीब इंसान इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर पाता साहब। एक दिन मायूस होकर मैं अपनी झोपड़ी में लेटा था, मुझे ठाकुर अर्जुन की हवेली नजर आई। सुबह उठा और मैं जमींदार के हवेली में पहुंच गया, क्या देखता हूँ जमींदार की हवेली में कचहरी लगी है, लोग बैठे हैं। मैं जमींदार साहब का कदम बोसी किया, ठाकुर अर्जुन सिंह देखकर अवाक रह गए और बोले, क्या रे अरमान कहिए कैसे आना हुआ। भैया मैं आपके पास आया हूँ तो जरूर बताऊंगा, एक बात ये बताइए आपके पास कोई शंकर शंकर नाम का छोटा भाई है। बताया कि हाँ भैया। हमने कहा मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। बताया कि चलो ठीक है भाई, लेकिन कितने पैसे में शादी करोगे। हमने समझा नहीं, कहने लगे बोलो पैसा कितना दोगे। गरीब आदमी पैसा कहाँ से दे पाएंगे, मेरे पास पैसा तो नहीं है पर हमें गरीब की बहन है आपकी इज्जत साहब। बोले कि 1 लाख रुपया कम से कम लूंगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई। शादी का डेट मुकर्रर हुआ, धूमधाम से मेरे दरवाजे पर रीतो रिवाज के हिसाब से बारात आई, शहनाई बजी। अच्छे भले से रुखसत कर दिया। सुबह होते होते क्या देखता हूँ बाबू, ठाकुर जमींदार के अर्जुन मेरी बहन को जला कर दहेज के लिए। अरमान सिंह अगर तुम्हारी माई ने दूध पिलाई है तो अपने बहन का बदला तुम इस खून का बदला खून से ले लेना। भैया मैं गरीब आदमी हूं, जमीन तबके का और जमींदार तबके का आदमी, मैं उससे बदला कहां से ले सकता हूं। मेरी मरी हुई बहन मुझे धिक्कार रही है कि भैया अगर तू बदला नहीं लोगे तो यह समाज के दरिंदे दहेज लोभी जाने कितने बहु बेटियों को चला कर राख कर देंगे। उसी दिन से हमने इस बात के लिए संकल्प लिया कि अर्जुन तोहका भगवान माफ करेंगे सराहू, लेकिन हम माई का दूध है कसम खा कर दे अर्जुन सिंह, अरे जब तक तोरे खोपड़िया में बारूदी सुरंग न बनाए दे तब तक हमारी मरी हुई बहन की आत्मा में शांति नहीं पहुंचेगी। अर्जुन सिंह कयामत आएगी, मैं दुनिया वालों के सामने भीख मांगूंगा पर तुम जैसे दहेज को लोभी कि अरमान सिंह डाकू कहलाऊंगा, अरमान सिंह डाकू कहलाऊंगा। अर्जुन सिंह कयामत आएगी, इंतकाम लूंगा। हेलो अरमान सिंह, तुम्हारे इरादे पक्के हैं और तुम एक बहुत बड़ी गिरोह तैयार करो, क्यों कि ठाकुर के पापों का घड़ा भर चुका है और तेरे हाथों से उसकी मौत लिखी गई है, इसलिए तेरे अरमान पक्के है। चल उठा ले बंदूक, लगा दे हथियारों की हवेलियों पर निशाने और आज से अपना नाम बदलते 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 ठाकुर अरमान। मैं हूँ और मैं समय हूँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। ये हमका सुना था भगवान, ये हमारा हाथ बंदूक का बाना उठाई
बंदूक का बाना उठावे से पहले इस समाज का खराब इंसाफ का कलंकित बगावत खून खून की नदिया एक करे पर मजबूर हूं मैं अर्जुन सिंह के बदला कैसे चुकाऊं हर भाई से भीख मांगूंगा अर्जुन सिंह पर तुझे इस दुनिया से मिटा डालूंगा क्योंकि आए दिन हाँ यह हमारे जनाब परमादरणीय बड़े भाई खलील भाई आप साहब बहरिया के ऐतिहासिक जमी प्रांगण से इस ना चीज का हौसला जारी करने के लिए बहुत से माया पुरस्कृत किए भाई जान अस्सलाम वालेकुम आप महान भाव का यदि हाँ हम गरीबों के सर पर रहा तो हो सकता है भाई दुआ करने के अपने अपने जमाने के हमारे इस स्टाफ के सुपरस्टार थे लोग सुना करते थे कि खलील भाई चल रहे चलिए इनसे कव्वाली सुना जाएगा वाह खलील भाई आप जहां भी रहो दुनिया में नाम इसी तरह आपका रोशन रहे भैया अब मैं चल रहा हूं चंबल की भीड़ों की तरह यार हम ऐसा नहीं करें तो कौन बहिनिया करेगी भैया पर विश्वास माता पिता का नाम रोशन कर दिया हरिश्चंद भैया इतनी कम उम्र में आपने इतनी शोहरत कमा लिया देने वाला मालिक है इसी तरह से जैसे आप गरीब की मदद कर रहे हैं प्रधान जी आपकी मदद तो भगवान करेगा हरिश्चंद भैया आप गरीबों के साथ जैसे मदद करते हैं मालिक करेगा कि आप दुनिया में इसी तरह फूल की तरह खिलते रहेंगे धन्यवाद भैया हरिश्चंद बड़े भाई भाई साहब 51 रुपए से हौसला जाय किया मालिक का औलाद खुशी रखे बाबू दस हजार नगद चाहिए
समाप्त हो गई है, हम चल रहे हैं अब चंबल की बिहड़ों की तरह। अरे हाय अर्जुन, अरे सारे अब तक का तू रामायण से महाभारत चालू करा है ना, आज से अरमान सिंह महासंग्राम चालू करेगा। तेरे बाप तेरे मौत का सौदागर डाकू अरमान दूधनाथ भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं। ये खुश होकर के ये हमारे लालमणि प्रधान जी के गाने पर ये साहब 11 रुपए दे हैं। बड़े भैया हमारे पार्टी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आज मेरे साथ आज है और मेरे स्वामी जी आने वाले हैं, आते होंगे, मैं इंतजार करती हूँ। देखो मोरे सच कहे डोले हो डोले, देखो मोरे सच कहे डोले के हाए राम चले सच्चे। कितना खुश है बे, हाँ हाँ कविता कितना खुशी में गीत गा रही है। तब है? तब है? ऐसा है हाँ। तुम जाओ और कविता से बोल दो हाँ। कि तुमसे मिलने के लिए बड़े सरकार आए हैं। ठीक है मैं यही रुकता हूँ, आप ही गेट पर रुका। ठीक है हम जा रहे, जाओ बोलो हम जा रहे। सकरिया बंदवा केवड़वा खुला है, पता नहीं भौजो जागत यहाँ की सोई गई। अभी से आवाज लगावे कर नहीं जागत हो ही बोलवे करी हम के हे भौजो, हे भौजो क्या आया हो, हम तोहार देऊ रही। अब बोला कैसे हाल, जैसे पजामा के नेऊ रहे हैं का भौजो पहुंचते ही मान करे राजी हूँ मजाक नहीं हो। ए भौजो के बड़ा खोल रहा भाव चलाई आवा खुला है का भौजो खोल के बैठी यहाँ
रात बिरात कौनो जानवर घुसुर जाए। अरे बाबा जागर बाटे। अच्छा ए भौजो बैठा, हमका तनिक एक दाई दिखाई दे, एक दाई दिखाई दे। का दिखाई दे? हमारे मोहना के दिखवाही लागा था। देखा भौजो दिखवाही लागा था, एक दाई दिखाई दे खोल के। हम फिर कब हम कहा कि हमका खोल के दिखावा? ऐसे खाली हाथ से ना दिखाओ। अब हम पढ़वनिया ही कमाल कमाल लगा चाह देखा। अब कैसे मांगी उधार हम बिना पैसे के? भैया देवई बात रही ना, हमका भाई साहब दे देता तो हम मुंह दिखाई कैली। लेकिन हमारे बड़ी लालच लागत है। व्यवहार बने घबरा ना, व्यवहार बने दैधन तुरंत दिए हम। जल्दी का कहा देंगे व्यवहार में घबराए ना हम। प्रधान जी सो गया ना? अब बब्बू प्रधान हमारा वही है भाई। कहाँ है? अब राज कहे बात परिवार किया जल्दी नहीं जाए जाए। सोची हल्के में निकल गया भाई काम दिखाई भैया। हम कौनो छोड़ जतिया ना हो। Thank you.
कारीगर बढ़िया देखा भौजो हमका कारीगर नहीं है रही कहा है जो कि मीरकपुर बहरिया प्रयागराज के रहने वाले अच्छा या कहीं कारीगर संतोष कुमार गौतम नगर हमें हमसो हम तक पढ़े ही खुश होकर के 11 रुपए दे हैं बड़े भैया का बड़ी धन्यवाद आ फिर दिखावा नजर लोड़ ले तब